हे फूडीज, वेलकम टू माय चैनल वेगन ईटर्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यमी एंड मॉइस्ट मोतीचूर लड्डू की रेसिपी। आज हम इसे बनाने वाले हैं विदाउट बूंदी। जी हाँ, हम इसे आज बिना बूंदी के बनाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैं आज आपको बताऊंगी आप इसे घर पे कैसे बना सकते हैं और टेस्ट में एकदम हलवाई स्टाइल जैसे लड्डू बनेंगे। और अगर फ्रेंड्स आपने इस रेसिपी को एक बार ट्राई कर लिया तो आप मार्केट के लड्डू बिल्कुल भूल जाएंगे। तो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है, दिवाली आने वाली है, इसको तैयार करें, सबको खिलाएं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें सो दैट न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने एक कप ले लिया है चना दाल, इसे मैंने रात भर भिगो लिया था। अब हम इसे मिक्सर जार में ऐड करके इसे थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड करेंगे। इसमें पानी आपको बिल्कुल ऐड नहीं करना है, अगर आपको रिक्वायरमेंट लगे तो आप एक चम्मच पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसे पीस लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इसे दरदरा पीस लिया है, इसे रिमूव कर लेते हैं बॉल में। तो हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाना, इसे हल्का सा इस टाइप से एक बार चम्मच से हल्का चला लेते हैं, एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने ऑयल यहाँ पे गरम कर लिया है फ्राई करने के लिए, और इस टाइप से थोड़ा थोड़ा आप बैटर को लेते जाएं और पकोड़े टाइप के हम इसमें तल लेंगे। तो जैसे हम वड़ा बनाते हैं ना, जो चने दाल का वड़ा बनता है, हमें सेम वैसे ही बनाना है, लेकिन हमें इसमें कुछ भी नहीं मिलाना। तो इसे क्रिस्पी ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम रहेगी, हाई फ्लेम पर हमें इसको नहीं कुक करना है। ये देखिए क्रिस्पी हो चुके हैं, इसे रिमूव कर लेते हैं। तो ये हम इसको सबको रिमूव कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा तोड़ेंगे और इसको अगेन फ्राई करेंगे, बिकॉज अंदर से ये थोड़े से मॉइस्ट रहते हैं तो जो लड्डू हैं वो बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसे मैंने ब्रेक कर लिया है और इसको अगेन मैं फ्राई कर रही हूँ दोबारा से। तो अब ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे, दोबारा फ्राई करने से इंटरनली भी बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इसे रिमूव कर लेते हैं, इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो आइए शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप लिया है पानी, 1.5 कप लिया है शुगर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 2 हरी इलायची मैं इसमें तोड़ के ऐड कर दूंगी, और 4 से 5 मैंने यहाँ पे फूड कलर ऐड किया है, ऑरेंज फूड कलर। मैंने यहाँ पे जेल कलर यूज़ किया है, आप इसमें पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं कलर। तो 1 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, 1 तार की चाशनी हमारे को बनानी है। तो हमारी जो चाशनी है वो रेडी हो गई है, इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर ले आते हैं। तो अब जो हमने वो वड़े बनाए थे, जो फ्रिटर्स बनाए थे, उसको हम मिक्सर जार में डालेंगे और इसका एक पाउडर बनाएंगे। तो इसका बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा कोर्स रखना, थोड़ा दरदरा होना चाहिए। इसे मिक्सिंग बॉल में रिमूव कर लेते हैं। अब जो चाशनी है इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो जो चना दाल है वो थोड़े थोड़े टाइम में चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो हमारे को चाशनी ग्रेजुअली ऐड करते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। मैंने थोड़ा सा और इसमें चाशनी ऐड कर दी है। इसके अंदर मैंने मगज ऐड कर दिए हैं, वाटरमेलन सीड्स, आप मेलन सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें घी का ऐड किया है, थोड़ा इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए ढक के रख देंगे सो दैट जो चना दाल है वो अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। तो आफ्टर 2 आवर्स हम इसके अब लड्डू बनाएंगे। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही इजी रेसिपी, और इतने टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होते हैं फ्रेंड्स इस रेसिपी से। आप एक बार इसे ट्राई करिएगा और मुझे प्लीज़ चैनल में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वेगन ईटर को सब्सक्राइब करें, रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मेरा चैनल अवेलेबल है, आपको मैं जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूंगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, देखिए माउथ वाटरिंग यमी लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इस बार लक्ष्मी जी एंड गणेश जी को दिवाली पे इन लड्डू से ही भोग लगाइएगा। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।